Hello everyone, this is Radhika and I welcome you all to Chapter Hunt. This is part 3 video of class 7 history question and answers from chapter 3, the Delhi Sultans. Now this is a very important and interesting chapter, so I have covered all the questions and answers that can be asked from your examination point of view. Please go through part 1 and part 2 video of this chapter before watching this session to get a detailed study of this chapter. So keep learning and explore to score good marks. Now let's get started. Now in continuity we were doing, so now we have question number 27, which says, why did large parts of the subcontinent remain outside the control of the Delhi Sultans and what were the repercussions? जो लार्ज पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट हैं दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल से बाहर क्यों थे एंड व्हाट वर द रिपरकशंस. रिपरकशंस का मतलब होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट्स क्या थे. नाउ लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स बिकॉज दे वर वेरी फार फ्रॉम दिल्ली. फॉर एग्जाम्पल इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल बंगाल फ्रॉम दिल्ली. दिस हेल्पलेसनेस ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स paved the way for the distant provinces to become independent. अब क्या मतलब हुआ कि जो बहुत ज़्यादा जो बहुत बड़ा एरिया था इस कॉन्टिनेंट का वो कंट्रोल से दिल्ली सुल्तान से कंट्रोल से बाहर था. फॉर एग्ज़ाम्पल इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल बंगाल फ्रॉम दिल्ली. क्यों? बिकॉज इट वॉज वेरी फार फ्रॉम दिल्ली एंड सोन आफ्टर एनेक्सिंग दी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. मतलब जैसे हमने जो फोर्सफुली उन लोगों ने सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को एक्वायर भी कर लिया था उसके बाद भी दी एंटायर रीजन स्लोली बिकेम इंडिपेंडेंट क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे. सो दिस पेव्ड द वे मतलब इसकी वजह से जो आसपास के जो डिस्टेंट प्रोविंसेस थे वो इंडिपेंडेंट होते जा रहे थे. एंड इवन इन द गैंजेटिक प्लान वे इन द गैंजेटिक प्लेन वेयर दे वर फॉरेस्टेड एरियाज द सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट. इट वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द लोकल चीफ्टन्स टू एस्टैब्लिश देयर रूल इन रिस्पेक्टिव रीजन्स. अब क्या था जो फॉरेस्टेड एरिया ऑफ गैंजेटिक प्लेन्स था वो भी अनटच्ड था उनसे और इसी वजह से क्या हुआ दीज एरियाज वर रूल्ड बाय लोकल चीफ्टन्स. लोकल चीफ्टन्स क्या हो गया मतलब जो भी लीडर ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीपल समझ लो या उस ट्राइब का जो लीडर था वो ही इन एरियाज को कंट्रोल करने लग गए. अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम. मतलब इवन इफ द रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक दे एग्जर्टेड कंट्रोल ओवर दीज एरियाज बट इट वॉज फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. बहुत थोड़े टाइम के लिए वो कंट्रोल कर पाए थे और बाद में ये सारे जो प्रोविंसेस है इंडिपेंडेंट हो गए थे. Now, describe the ways in which chieftains arranged for their defense. अपने आप को बचाने के लिए जो chieftains थे वो क्या arrangement करते थे. The chieftains fortified themselves in mountains, in rocky, uneven and rugged places as well as in bamboo groves. The bamboo had unique features. It was strong and even fire could not affect it because its several parts were intertwined making them very strong. अब क्या हुआ था कि ये जो आपके चीफ्टेंस थे इन्होंने अपने आप को कहाँ पे बना लिया कहाँ पे कवर करके रखते थे कहाँ पे अपने आप को छुपा के रखते थे जैसे माउंटेन्स में या जैसे कि जो रग्ड या अनइवन मतलब कोई भी जैसे आप हिंदी में समझो जैसे उबड़ खाबड़ सी प्लेस है अनइवन है रॉकी प्लेस है वहाँ पे ये लोग रहते थे. और जो बैम्बूज है इन इंडिया यू नो द बैम्बू इज़ नॉट हॉलो इट इज़ बिग इट हैज़ सेवरल पार्ट्स. इसके जो सेवरल पार्ट्स हैं एंड दे आर सो इंटरट्वेंड दैट इवन फायर कैन नॉट इफेक्ट देम एंड दे आर ऑन द होल दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके और इन्होंने फिर क्या द चीफ्टन्स लिव्ड इन दीज फॉरेस्ट विच सर्व्ड देम एज रैमपार्ट. They had everything necessary for life such as cattle, crops, water etc. inside the forest. अब रैमपार्ट का मतलब क्या हुआ जैसे कि इन्होंने क्या बना लिया उसको दीवार एक डिफेंसिव वॉल
बाउंड्री, या जैसे हम कहते हैं किले की दीवार, इन बाम्बू से वो बन गई और अपने आप को अंदर उन्होंने प्रोटेक्टेड रखा, अंदर इनको सब कुछ, इनके जो भी इनको चाहिए होता था, द थिंग्स नेसेसरी फॉर लाइफ, दे हैड कैटल, क्रॉप्स फॉर मतलब वाटर, एवरीथिंग दे हैड इनसाइड दीज फॉरेस्ट. दस दे वर सेफ एंड ओनली पावरफुल आर्मीज कुड सबड्यू देम. सबड्यू का मतलब क्या होता है कि किसी को भी टू ब्रिंग समथिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स. तो जो पावरफुल आर्मीज थी वो ही इनको सबड्यू कर सकती थी, वो ही फोर्सफुली कंट्रोल में इनको ला सकती थी. हाउ? अगर वो इफ़ दे कुड एंटर दिस फॉरेस्ट, कट डाउन द बैम्बूज विद सम स्पेशली प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, तभी वो कर सकती थी, अदरवाइज नहीं. सो दे वर सेफ इनसाइड दिस. Coming to our next question, which says, how did Mongols force the Delhi Sultans to mobilize a big army? अब मंगोल्स ने एक तरह से किस तरह से फोर्स किया दिल्ली सुल्तान्स को टू मोबिलाइज अ बिग आर्मी. व्हाट डू मीन बाय मोबिलाइज? मोबिलाइज मींस असेंबल करना या प्रिपेयर कर लेना अपनी एक बड़ी आर्मी को. द मंगोल्स अंडर गिंजीज खान इन्वेडेड ट्रांसॉक्सियाना इन द नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219. Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. Okay, onslaught का मतलब हो गया जैसे कि आप समझ लो एक very fierce attack उन्होंने उनसे सफ़र किया, face किया Delhi Sultanate. Mongol attacks on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khalji and in the early years of Muhammad bin Tughlaq's rule. This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. So हुआ क्या कि अभी जो Mongols हैं, they belonged to Mongolia. Now they invaded parts of Iran and Transoxiana. उसके बाद तो दे अटैक्ड दिल्ली सल्तनत मेनी टाइम्स, बहुत बार इन्होंने अटैक्स किया दिल्ली पर, स्पेशली ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक. अब इसकी वजह से क्या हुआ कि इन दोनों रूलर्स को मोबिलाइज करनी पड़ी एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. ठीक है ना, और अब इस लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करना और इतने बड़े लार्ज एम्पायर को मेंटेन करना, ये इनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव, इनके लिए एक चैलेंज था. अब वो कैसे था, क्यों था, ये हम आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 30 सेज, Who was Ibn Battuta and when did he come to India? Ibn Battuta was an African traveler. He came to India during the reign of Muhammad bin Tughlaq. He came to India from Morocco, Africa. Now, Ibn Battuta kya tha? He belonged to Morocco, Africa, and he traveled India in 14th century. He is the best known as traveler and explorer. And once he arrived in the city of Delhi, he soon got employment and as a judge under the Muhammad Tughlaq. तो ये छोटा सा small question कभी एक mark का भी आ सकता है, तो इतना इसमें answer बहुत है. Now, the question number 31 says, what was the impact of the Mongol invasions on the Delhi Sultanate? अब जो मंगोल इतने invasion कर रहे थे, what was the impact on the Delhi Sultanate? Mongol invasions posed a big administrative challenge for the Delhi Sultanate. Accordingly, the Delhi Sultanate mobilized a large standing army in Delhi. हमने पढ़ा कि Mongol invasions की वजह से उनको एक चैलेंज था इन सब अपनी स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करना. अब ये स्टैंडिंग आर्मी क्या होता है ना, what does this actually mean? Now, standing army is that army which is always on duty. Whether it is a war time या peace time, it is always on duty. ठीक है, accordingly the Delhi Sultanate mobilized a large standing army. Alauddin Khalji constructed a new garrison town at Siri for his soldiers. He imposed taxes on land to feed the army at the rate of 50% of peasants' yield. He began to pay the soldiers in cash. अब इसमें हम दोनों का डिस्क्राइब कर रहे हैं क्योंकि मंगोल इन्वेजन से दोनों को दिल्ली सल्तनत में जो उनको टैक्स पड़ रहे थे तो दोनों को एक स्टैंडिंग आर्मी मोबिलाइज करनी पड़ी थी. तो वी विल गिव अ ब्रीफ आंसर. अगर ज़्यादा बड़ा होगा देन ऑब्वियसली यू कैन कंबाइन द अदर क्वेश्चन विच विल बी डूइंग इसके बाद, उनको आप इसमें आंसर ऐड कर सकते हो. बट अगर एक टू मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा दोनों का बताना पड़ेगा.
Now, Muhammad Tughlaq, he shifted people of Delhi to Daulatabad in south and thus converted Delhi into a garrison town. He also raised a large standing army. अब अलाउद्दीन खलजी ने क्या किया था? अलाउद्दीन खलजी, इन ऑर्डर टू स्टेशन दीज लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, इसने क्या किया? ही कंस्ट्रक्टेड अ न्यू टाउन और उसने इस टाउन को क्या नेम रखा? सीरी. अब इतने सारे सोल्जर्स हैं, इनको खाना भी खिलाना है. मतलब अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, अगर किसी, अब उन्होंने इस पर टैक्स करा. क्या लिखा हमने पढ़ा था? ही इम्पोज टैक्सेज ऑन द लैंड टू फीड दिस आर्मी एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द पेजेंट्स ईल्ड. इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे आप समझ लो कि अगर किसी पेजेंट ने 1 kg चावल उगाए हैं तो उसमें से 500 grams चावल उसको स्टेट को देने हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. मतलब जो टैक्स था इट वॉज नॉट इन कैश, इट वॉज रादर इन ग्रेन्स. ओके, अब मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था? मोहम्मद तुगलक ने इतने सारे सोल्जर्स को रखने के लिए एक नई सिटी एस्टैब्लिश नहीं की, बल्कि उन्होंने क्या किया, दिल्ली की एक ओल्ड सिटी जिसका नाम था दिल्ली एक कोहना, उसको खाली करा दिया. वहाँ के जो रेजिडेंट्स थे उनको बाहर निकाल दिया एंड देन ही स्टेशन्ड ऑल हिज सोल्जर्स ओवर देयर. और ये जो रेजिडेंट्स जो थे इनको कहाँ भेज दिया? एक न्यू कैपिटल दौलताबाद में. और ये रीजन कहाँ पे है? दिस इज़ इन महाराष्ट्र. ओके, तो दिस वॉज द इम्पैक्ट ऑफ द मंगोल इन्वेजन्स ऑन द दिल्ली सुल्तान्स. ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. गिव एन अकाउंट ऑफ अलाउद्दीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम ये पढ़ेंगे अकाउंट ऑफ अलाउद्दीन का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, और एक हम पढ़ेंगे गिव एन अकाउंट ऑफ मोहम्मद तुगलक का एडमिनिस्ट्रेशन. आपके एनसीईआरटी में ये डिफरेंस के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैंने इसलिए वो डिफरेंस के फॉर्म में क्वेश्चन ना देके आपको, अगर आपको इंडिविजुअली सिंगल सिंगल क्वेश्चन आ जाता है कि अलाउद्दीन का अलग से बताओ और मोहम्मद तुगलक का अलग से बताओ, तो मैंने आपको उसका आंसर आई एम गिविंग यू. ओके, कि आपको उसमें क्या लिखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है. Now, Alauddin Khalji's administrative reforms were quite successful and praiseworthy. इनके administrative reforms की बहुत तारीफ हुई थी और successful भी हुए थे इनके reforms. This was because of the cheap prices and efficient supply of goods in the market. He also handled the threat of Mongol invasion successfully. Moreover, he introduced several administrative measures. क्या क्या करे उन्होंने? First, Alauddin Khalji raised a large standing army as a defensive measure. ये भी हमने देखा कि Alauddin Khalji ने अपनी एक large standing army establish करी थी. He constructed a new garrison town known as Siri. और उन्होंने इतनी सारी अपनी इतनी बड़ी आर्मी को स्टेशन करने के लिए एक नया टाउन कंस्ट्रक्ट कर दिया जिसका नाम था Siri. Now the soldiers had to be fed. This was done through the produce collected as a tax from the lands between the Ganga and Yamuna. Tax was fixed at 50% of the peasants produce. ये भी we studied in the last question, इसलिए आपको पहले वाला question कर दिया. अब हम सिर्फ इसमें अलाउद्दीन का mention करेंगे, हम मोहम्मद तुगलक का इसमें mention नहीं करेंगे. अभी हमने पढ़ा कि उन्होंने क्या किया था, soldiers, क्योंकि इतने सारे soldiers हैं उनको खाना खिलाना है, तो उन्होंने एक fix कर दिया tax कितना, 50% peasant के produce का. और इसका मतलब वो उनको जो tax थे cash की तरह से नहीं बल्कि इस तरह grains के through लेते थे. और एक और चीज़ क्या करी उन्होंने, ही पेड हिज सोल्जर्स कैश सैलरीज रादर दैन इक्ता. दिस वॉज डन इन ऑर्डर टू मेक सोल्जर्स एबल टू बाय देयर सप्लाइज फ्रॉम मर्चेंट्स इन दिल्ली. इट वॉज फियर्ड दैट मर्चेंट्स वुड रेज देयर प्राइजेस. इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस अलाउद्दीन कंट्रोल्ड द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही कंट्रोल्ड द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली. Prices were carefully surveyed by the officers and merchants who did not sell at the prescribed rates. They were punished. अब क्या हुआ कि now salaries. अब अलाउद्दीन खलजी को पता है salaries भी pay करनी है. उन्होंने क्या किया, इन सब soldiers को salaries pay करी in cash. And he also controlled prices of the essential goods. क्यों? क्योंकि अगर soldiers को essential goods नहीं, अगर जो soldiers हैं
वो अगर आपके एसेंशियल कुछ नहीं खरीद पाएंगे तो उनको महंगे प्राइस की वजह से उनको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी एंड दे कुड हैव इवन रिवोल्टेड एज वेल. सो खलजी ने प्राइसेस को कंट्रोल करा, उनको मॉनिटर किया, ऑफिसर्स और ऑफिसर्स ऑफ मर्चेंट्स को बोला सर्वे करने के लिए कि जो भी अगर प्रिस्क्राइब रेट्स में नहीं देगा उसको पनिश करा जाएगा. सो दैट मीन्स दिस शोज दैट ही ऑल दीज रिफॉर्म्स वर वेरी डिफेंसिव, दे वर वेरी सक्सेसफुल एंड इसलिए हिज रिफॉर्म्स वर प्रेस्ड. नाउ गिव एन अकाउंट ऑफ मोहम्मद तुगलक्स एडमिनिस्ट्रेशन. Now, the early years of Muhammad Tughlaq's reign faced Mongol attacks, which were curbed by Tughlaq's sincere efforts. He took several administrative measures like Alauddin Khalji, isne bhi waise hi kare. He also raised a huge standing army in Delhi, isne bhi large standing army kari. He got emptied Delhi ek kuhna, oldest of the four cities of Delhi for soldiers. The residents were sent to Daulatabad. Abhi humne padha ki inhone kya kiya, Muhammad Tughlaq ne kya kiya tha. Isne koi nayi city establish nahi kari thi, balki koi ek Delhi ki jo purani city thi, jiska naam kya tha, Delhi ek kuhna, usko khali kara diya. Aur khali kara ke soldiers ko wahan pe station kar diya. Ab jo Delhi ek kuhna ke jo residents the, unko jo khali kara gaya, usne inko nayi jagah shift kar diya, nayi capital mein jiska naam tha Daulatabad. अब सेकेंड इन्होंने क्या किया, ही मेड अरेंजमेंट्स फॉर द कलेक्शन ऑफ प्रोड्यूस एज टैक्स टू फीड द सोल्जर्स. दिस कोइंसाइडेड विद फेमाइन. एडिशनल टैक्सेस वर लेवीड फॉर मेंटेनिंग द आर्मी. अब इसने क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिए, इसलिए फेमिन मतलब शॉर्टेज ऑफ फूड भी हो गया. और इसने और ऑल दिस सबसे क्या हो गया, एक वाइड स्प्रेड रिबेलियन हो गया. और क्या किया, थर्ड पॉइंट, मोहम्मद तुगलक पेड द सैलरीज इन कैश. फॉर दिस ही इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी मेड ऑफ चीप मनी. अभी मोहम्मद तुगलक की टोकन करेंसी बहुत क्वेश्चन बाज का, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बार बार आता है. पीपल सेव देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड पे टैक्सेस विद दिस टोकन करेंसी एंड दिस कुड बी काउंटर फीडेड ईजिली. अब हुआ क्या कि मोहम्मद तुगलक ही ऑल्सो पेड सोल्जर्स इन कैश, बट जो मेन थिंग था, डिफरेंस था कि ही डिड नॉट कंट्रोल द प्राइसेस एज अलाउद्दीन खलजी डिड. दिस वाज द मिस्टेक ही डिड, ही एंड द मेजर मिस्टेक. और उसने क्या करी, ही मिंटेड न्यू कॉइन्स विच वर मेड अप ऑफ चीप मेटल्स. मतलब इंस्टेड ऑफ मेकिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ही मिंटेड कॉइन्स विद चीप मेटल्स. अब लोगों को इन कॉइन्स पर विश्वास तो था नहीं एंड पीपल वर वेरी स्मार्ट. उन्होंने क्या किया, अपने गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स अपने पास रख लिए और टैक्सेस कैसे पे कर दिए, इस करेंसी के थ्रू. सो दिस, और सबसे बड़ी बात क्या था कि दिस कुड बी काउंटरफीटेड इजीली. काउंटरफीटेड इजीली का मतलब क्या हुआ कि इन सिक्कों को नकली सिक्कों में बनाया जा सकता था और बनाया भी गया, जिसकी वजह से ये मोहम्मद तुगलक को बहुत नुकसान हुआ. इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी, दैट वॉज अ फेलियर. ठीक है, अब समझ आ गया. अब हम नेक्स्ट इस पर, अब इसको मैंने एक और क्वेश्चन आपको लिख के दे दिया क्योंकि इसको कई बार अलग से ही पूछा जाता है, डिस्क्राइब अबाउट द टोकन करेंसी ऑफ तुगलक. तो जो भी हमने समझा वही इसमें लिखेंगे. तुगलक डिड नॉट कंट्रोल प्राइसेस ऑफ गुड्स, रादर ही यूज्ड अ टोकन करेंसी मेड अप ऑफ चीप मेटल्स, नॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. ठीक है, गोल्ड सिल्वर का ना होकर चीप मेटल से बनाया. टोकन करेंसी वॉज समवट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी एंड पीपल ऑफ 14th सेंचुरी डिड नॉट बिलीव इन दिस कॉइन्स. उनको इस पर विश्वास नहीं था इन कॉइन्स पे. दे सेव देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड दे पेड ऑल देयर टैक्सेस टू द स्टेट विद दीज टोकन करेंसीज. और ये जो चीप करेंसी थी, इट कुड बी काउंटरफिटेड ईजिली. ओके, इस सब आपको मैंने अलग से लिख के दे दिया कि अगर आपको टोकन करेंसी पे आएगा तो क्या क्या चीज़ें इस आंसर में होनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट, नाउ ये भी आपका एक क्वेश्चन वही है जो हम पढ़ चुके हैं, बट नाउ टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि अगर ये, क्योंकि दिस इज दिस ऑल्सो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट. नाउ इन स्पाइट ऑफ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, वाई मोहम्मद तुगलक्स रिजीम वर अ फेलियर. नाउ मोहम्मद तुगलक इंट्रोड्यूस्ड मेनी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज changes, his regime was a failure. अब हमको पता ही है, we will just note down एक बार दोबारा से single points. क्यों administrative failure थे, because he campaigned into Kashmir, but it proved a disastrous campaign. He then gave up plans to attack
ट्रांसॉक्सियाना एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी. अब ये क्या है कि इसमें जो मोहम्मद तुगलक है उसने डिसाइड किया कि अब जो है कश्मीर पे कैंपेन तो किया, बट उसके बाद वो जो कैंपेन था उसका डिजास्ट्रस हो गया. फिर इसने क्या डिसाइड किया कि नाउ ही विल नॉट इन्वेड ट्रांसॉक्सियाना. तो इतनी बड़ी आर्मी तो यूज़लेस हो गई. सो उतनी बड़ी आर्मी को इसको डिसबैन करना पड़ा. ठीक है, अब मेन बात समझने की इसमें यह है कि जो अलाउद्दीन खलजी के जो भी मेजर्स थे ना, दोज मेजर्स उसने जो भी कुछ किया, उसने उसके जितने भी मेजर्स थे वो अपने आप को बचाने के लिए थे. मीन्स हिज मेजर्स वर डिफेंसिव. बट मोहम्मद तुगलक वो सक्सेसफुल क्यों हुआ था? वाई? बिकॉज उसने जो भी मेजर्स लिए वो उसने लिए कि जिनसे कि वो अटैक कर सके. मतलब हिज जो जो मेथड इसके तो मेथड मोहम्मद तुगलक के क्या थे, इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि उसने सारे वैसे मेजर्स करे जो कि ऑफेंसिव थे, जो कि अटैक करने के थे. बट अलाउद्दीन खलजी सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि उसके सारे जो मेजर्स थे वो अपने आप को बचाने के लिए थे. ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ का. ठीक है, अब हमने पहला पॉइंट देखा कि अब उसने सोचा कि भी ट्रांसॉक्सियाना का तो अब हमने इन्वेड नहीं करना, इतनी बड़ी आर्मी यूजलेस हो गई और उसको उसने इतनी बड़ी आर्मी को डिसबैंड कर दिया. अब सेकंड पॉइंट और क्या था, ये हम पढ़ चुके हैं. ही शिफ्टेड द रेजिडेंस ऑफ ओल्ड सिटी टू दौलताबाद इन द साउथ एंड दे रेजेंटेड कलेक्टिवली ड्यू टू दिस. अब जिनको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया वो तो रेजेंटमेंट रिबेलियन करेंगे ही करेंगे. नेक्स्ट, In order to meet the expense of maintaining a large number of soldiers, he levied additional taxes, which increased the burden of the common man. Up now, because he increased the taxes, so people, logon ke upar burden badh gaya, and they revolted. And the famine in the Ganga Yamuna belt led to widespread rebellion. People did not trust the token currency. Token currency, Muhammad Tughlaq ki, wo bhi ek failure thi, which jo usne launch kari. They saved their gold and silver coins and paid all their taxes to the state with the token currency. This cheap currency could be counterfeited easily. Now, ye sare points aapke us answer mein zarur hone chahiye. Now, describe the Delhi Sultanate in the 15th and 16th centuries. Up 15th and 16th century, after the Tughlaqs, the Sayyid and the Lodi dynasties ruled from Delhi and Agra until 1526. By then, Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan and the entire South India had independent rulers. They had established flourishing states and prosperous capitals. This was also the period which saw the emergence of new ruling groups like the Afghans and the Rajputs. And some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administered. ठीक है, अब सैयद एंड लोदीस कब आए? They ruled until 1526. जितने भी स्टेट्स थे, ऑल दी स्टेट्स लाइक जौनपुर, गुजरात, मालवा, स्लोली एंड ग्रेजुअली दे बिकेम इंडिपेंडेंट. और हुआ क्या था कि जो बेसिक एरिया ऑफ द रूलिंग ऑफ द कंट्री दैट स्लोली एंड स्लोली गॉट कन्फाइंड. बिकॉज एज वी सॉ या हमने देखा, वी कुड सी ड्यूरिंग खिलजी एंड तुगलक पीरियड द एक्सटेंट वॉज मच फास्ट, इट वॉज थ्रू आउट द इंडिया. बट दैट वॉज नॉट द केस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सैयद्स एंड लोदीज. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. हु वॉज शेर शाह सूरी? वॉट डू यू नो अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन? शेर शाह सूरी 1540 से 1545 established a powerful state. He started his career as a manager of a small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal emperor Humayun. Shir Shah captured Delhi and established his own dynasty known as the Suri dynasty. Although the Suri dynasty ruled for only a short period, that is 15 years, it introduced an administration that borrowed elements from Alauddin Khalji and made them more efficient. The great emperor Akbar followed the techniques of Sher Shah Suri's administration while consolidating the Mughal empire. Now Sher Shah Suri ka humne kya dekha ki he was challenged by Humayun and he captured Delhi and he ruled for 15 years as Suri dynasty. Aur kya dekha humne ki his administrative styles were very unique and the administration style of Suri dynasty was followed by Akbar.
So now with this, we cover the third chapter for NCERT History Class 7. So did you find this helpful? If so, make sure to hit the like button. Please subscribe to Chapter Hunt and click the notification bell to stay updated. I will see you on another video very soon. Till then, take care. Bye-bye.